नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विंड टर्बाइंस क्या होते हैं? वो इस तरह के मशीन्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो विंड एनर्जी को यूज करना है हमें, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें यूज करना है, तो हमें विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी विंड स्पीड की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसे हम अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, टर्बाइन को मूव कर सकते हैं। तो विंड टर्बाइन में बेसिकली क्या होता है, ये टर्बाइन इज अ विंड टर्बाइन इज अ मशीन जो कि विंड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो विंड टर्बाइंस जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइंस। विंड मिल्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी काम में यूज आते हैं। जैसे विंड टर्बाइंस को आप डायरेक्टली पंपिंग के लिए, ग्राइंडिंग स्टोन के लिए, यानी कि उस मैकेनिकल एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, वो होते हैं आपके विंड मिल्स। और अगर विंड टर्बाइन को आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम बेसिकली विंड टर्बाइन कहेंगे। विद द हेल्प ऑफ जनरेटर आप क्या कर सकते हो, उसको मैकेनिकल एनर्जी ऑफ विंड स्पीड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वेरियस टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइंस हम पढ़ेंगे। विंड टर्बाइंस जनरली दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है आपका वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन में क्या होता है कि जो ब्लेड का जो रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो ग्राउंड के पैरेलल होता है। तो एक्सिस ऑफ ब्लेड रोटेशन इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। और वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन में क्या होता है कि जो ब्लेड रोटेटिंग एक्सिस जो है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं, वो जो है परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड लेवल के। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिजाइंस एंड टू टाइप्स ऑफ, इसमें भी आप वेरियस क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो उससे पहले हम विंड टर्बाइन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंड टर्बाइन। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है, दिस लेफ्ट हैंड साइड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन के मेन पार्ट्स जो आप देख लीजिए, दैट इज नेसले, जिसके अंदर है जनरेटर और गियर बॉक्स। उसके बाद ये नीचे जो है, ये है टावर आपका। देन यहाँ पर जो ब्लेड्स दिखाई दे रही है, दिस इज द रोटर ब्लेड्स। और यहाँ पर है आपका एचयूवी हब, एंड देन जो नीचे है वो सपोर्ट है। तो इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन में देखिए आप, टावर बीच में है और इस तरीके से ब्लेड का जो शेप है एक एग बीटर के फॉर्म में है। देन यहाँ पर जो है जनरेटर नीचे की तरफ है, गियर बॉक्स नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में जो नेसली है, ये इसके अंदर रहता है आपका गियर बॉक्स एंड जनरेटर। देन ये जो आपकी रोटेटिंग ब्लेड्स है, वो क्या करती है कि विंड एनर्जी को ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो जनरेटर है जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से ये आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके पार्ट्स देख सकते हैं, जिसमें हाइट भी बता रखी है, रोटर हाइट बता रखी है। इधर जो है दैट इज यहाँ पर, ये आपका रोटर का डायमीटर है, और ये जो है यहाँ पर है सर्कुलर फॉर्म में, इस तरीके से मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, आपके रोटर की हाइट बता रहा है, दिस इज द रोटर हाइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन्स आपने देख लिए। टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन्स में जैसे वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन की आप बात करते हैं, तो वो जनरली इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं जितने की हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं, बिकॉज हायर विंड स्पीड को ये कैपेबल नहीं है उसको झेलने के। तो मेन रीजन ये है कि दे डू नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ हायर विंड स्पीड एट हायर एलिवेशन अबव द ग्राउंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन को आप हाई स्पीड में भी यूज कर सकते हो, जबकि वर्टिकल एक्सिस को कम यूज में लिया जाता है। ये है आपका अर्ली विंड टर्बाइन, यानी पहले के जमाने में जो आप विंड मिल्स देखते हैं, तो उसका जो शेप है वो इस तरीके का था, जिसमें हाफ पोर्शन कवर रहता है एंड देन हाफ पोर्शन खुला रहता है। तो उसमें क्या होता है कि दिस मशीन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द विंड ब्लोइंग ऑन हाफ ऑफ इट्स सेल। द सेल एक्सपोज्ड विंड पुश डाउनवर्ड ड्यू टू द ड्रैग एंड कॉजिंग द विंड मिल टू रोटेट। तो इस तरीके से वो उसको रोटेट करता है, विंड को कैप्चर कर लेता है इस पर्टिकुलर एरिया में एंड देन मूवमेंट के थ्रू उसको रोटेशन प्रोवाइड करता है। एनीमोमीटर जो है, जो कि विंड की स्पीड को मेजरिंग करने का, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एनीमोमीटर की जो स्पेलिंग है ये है ANEMOMETER। तो एनीमोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड।
तो विंड की स्पीड आप मेजर कर सकते हैं, जो कि हम पहले अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लास्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ विंड टर्बाइंस में देख रहे थे। वर्टिकल एक्सिस टाइप ऑफ टर्बाइंस में सबसे पहले आप देखेंगे सैवोनियस विंड टर्बाइन। सैवोनियस विंड टर्बाइन की ये इस यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा है, एंड रियली जो एक्चुअली जो है ये इस तरीके का दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो टर्बाइन है ये एस शेप में आप इसको कह सकते हो, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। इट यील्ड्स अ हाई टॉर्क पर काम करता है। इट इज यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर एंड मेनी अदर टास्क, बट इट्स स्लो रोटेशनल स्पीड्स मेक्स इट अनसुटेबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल। तो ये भी जो है इसमें विंड की स्पीड जो है वो कम रहती है, तो जो कमर्शियल जनरल पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, पंपिंग वाटर, ग्राइंडिंग ग्रेन्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। देन जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दिस इज द फ्लैपिंग पैनल विंड टर्बाइन। तो इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, शोज द विंड कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन से विंड आ रही है, बट विंड कैन एक्चुअली कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो विंड टर्बाइन इस तरीके से मूवमेंट करके विंड को कैप्चर करके मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं इसके डिफरेंट ब्लेड्स। देन नेक्स्ट जो वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन की कैटेगरी है उसमें आ जाता है आपका डेरिस टाइप टर्बाइन। तो डेरिस टाइप टर्बाइन का जो शेप है, जो मैं कह रही थी, एग बीटर के फॉर्म में रहता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सी शेप्ड रोटर ब्लेड्स इसकी रहती है। जो अपीयरेंस जो मैं बता चुकी हूँ, एग बीटर टाइप का रहता है। तो नॉर्मली बिल्ट विथ टू और थ्री ब्लेड्स रहती है इसमें। तो इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, देन विंड स्पीड को कैप्चर करके ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसी की कैटेगरी में आता है नेक्स्ट गिरोमिल विंड टर्बाइन। गिरोमिल जो है दैट इज टिपिकली पावर्ड बाय टू और थ्री वर्टिकल एरोफॉइल्स रहते हैं, अटैच्ड टू द सेंट्रल मास्ट बाय हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स जिसको प्रोवाइड किए गए हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड दीज आर द थ्री मास्टस जो मूव कर रहे हैं। तो टर्बाइन, दिस टर्बाइन वर्क्स वेल इन टर्बुलेंट यानी हाई स्पीड कंडीशंस में भी ये आसानी से काम कर सकता है, एंड इट इज एन अफोर्डेबल ऑप्शन वेयर अ स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन इज अनसुटेबल। तो ये हाई स्पीड विंड टर्बाइन है एक तरीके से, जो कि हाई स्पीड को सस्टेन कर सकता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन्स की कैटेगरी देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जनरली इस टाइप के रहते हैं, थ्री ब्लेड्स रहती है इसमें। तो ये जो है इनका जो रोटेशन एक्सिस जो है वो है ग्राउंड लेवल के पैरेलल मूव करता है। इसमें दो कैटेगरी है, अप विंड टर्बाइन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो अप विंड टर्बाइन दे आर डिजाइन टू ऑपरेट इन अप विंड मोड विद द ब्लेड्स अप विंड ऑफ द टावर, यानी कि इसकी हाइट काफी ज्यादा रहती है और ऊपर से आने वाली हवा की मदद से ये मूव करता है। लार्ज विंड टर्बाइन यूज अ मोटर ड्रिवन मैकेनिज्म दैट टर्न्स द मशीन टू अ विंड डायरेक्शन, तो विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये मूव करता है। स्मॉलर विंड टर्बाइन यूज अ टेल वेन टू कीप द ब्लेड्स फेसिंग इनटू, तो हायर विंड टर्बाइन जो होते हैं ना, लार्जर कैपेसिटी वाले, उसमें मोटर ड्राइव मैकेनिज्म लगाते हैं, और स्मॉलर टर्बाइन में हम लोग टेल वेन मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि मूव कर सके हमारी ब्लेड्स विंड की स्पीड के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ विंड है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो ये पीछे की तरफ से है इसलिए इसे डाउन विंड कहा गया है। जैसे अप विंड में आप देख रहे हो कि एकदम ब्लेड्स के सामने से विंड आ रही है, और हियर डाउन विंड में जो है ब्लेड्स के पीछे की तरफ विंड आ रही है। तो दिस विंड टर्बाइन ऑपरेट्स इन डाउन विंड मोड सो दैट द विंड पासेस द टावर बिफोर स्ट्राइकिंग द ब्लेड्स, तो ब्लेड्स को स्ट्राइक करने से पहले ये टावर को स्ट्राइक करती है। देन द रोटर मूव्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द विंड स्पीड। ओके, द मशीन रोटर नेचुरली ट्रैक्स द विंड इन द डाउन विंड मोड, तो पीछे की तरफ से विंड आ रही है और उसके बाद जाके ब्लेड्स मूव कर रही है। नेक्स्ट जो है दैट इज शाउडेड विंड टर्बाइन भी आप देख सकते हैं। तो दिस टर्बाइन दिस हैव एन एडेड स्ट्रक्चरल डिजाइन फीचर, ऑगमेंटर कहते हैं इसे। तो ऑगमेंटर इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विंड पासिंग थ्रू द ब्लेड्स, तो ब्लेड्स में ज्यादा से ज्यादा विंड पास हो सके तो हम लोग इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।